दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सभी का स्वागत और वंदन अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल, छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में रेवसा सीतापुर प्रेम बातचीत के साथ। बने रहिए और देखते रहिए और हर खबरों से छोटी बड़ी रूबरू होते रहिए। आपको बता दें कि इस वक्त जनपद सीतापुर के थानाथान गांव इलाके में पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जहां पर प्रतिबंधित पेड़ों के कटान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन पेड़ों को कटान काट कर धराशाई कर मौके से लकड़ी उठा ली जा रही है लकड़कट्टों के द्वारा मिलीभगत से। वहीं पर जहां एक तरफ पर्यावरण को लगाने में सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय आला अधिकारी जगह जगह पर वृक्षारोपण करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और वहीं सेल्फी खींचकर अपने आला अधिकारियों और सरकार को बखूबी निभाते नजर आने की बात कहते हैं, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा खेल कि परमिट कलमी का और पेड़ काटे जाते हैं कुतमी देसी, ये बड़ा खेल एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत चरितार्थ सटीक बैठती है थानाथान गांव इलाके में वन विभाग और पुलिस की मिली भगत के जो कारनामे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पर्यावरण को नष्ट करने का काम किया जा रहा है और सरकार की मंशाओं और सरकार के सपनों को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। बताते चले ऐसा ही मामला, 13 जामुन के पेड़ जो प्रतिबंधित बिना परमिट के लकड़कट्टों के द्वारा बुधवार की 2 फरवरी की बीती रात काट कर धराशाई कर मौके से उठा ले गए लकड़कट्टे थानाथान गांव इलाके में। और वहीं पर थानाथान गांव ही इसी इलाके में परमिट से अधिक पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि थानाथान गांव के रंगवा निवासी धर्मेश्वर और कैलाश शत्रुहन आज लोगों ने अपने 13 जामुन के पेड़ किसी तंबौर के ठेकेदार के हाथ बेचे थे, जो कि बुधवार की 2 फरवरी की बीती रात लकड़कट्टों के द्वारा काट कर धराशाई कर मौके से लकड़ी उठा ले गए। वहीं पर थनगांव के ही इलाके में महेशपुर टापर के निवासी दूजी पुत्र सुकई ने अपने आम के पेड़ कुछ बाग के बेचे थे, जो 18 पेड़ों का परमिट बनवाया गया। और वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार माने तो 18 पेड़ों से परमिट से अधिक करीब 23 पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है, जो स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। इस बाबत जब बात की गई वन विभाग आला अधिकारी रेंजर विश्वा कमाल अहमद से, तो उन्होंने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बस एक ही रटा रटाया बयान सामने मामला आता है। और वहीं जब कलमी की बात की गई, इस पर भी बोले कि जांच कर की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट आपका ये तस्वीरों में दिख रही हैं, अवैध तरीके से प्रतिबंधित पेड़ों के कटान की तस्वीरें हैं, जहां पर जड़ें और लकड़ी काटते नजर आ रहे हैं लकड़कट्टे। मामला थानाथान गांव इलाके का है, जहां पर लकड़ी अवैध पेड़ों का कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर 13 जामुन और एक गूलर का